हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, आपका आज के डेट पे ये शेयर हाई गया था 198.65 एंड लो गया था 172.60 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 19.33% कैन क्लोज हुआ 198.50 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है रुपीस 199.37 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है रुपीस 206.34 करोड़ एंड पीई रेशियो है 43.69। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ रुपीस 7.07 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.58। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है रुपीज 4.54, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.95% एंड आरओसी है 16.55%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। इस कंपनी में आपका लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 43.38% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 16.47%। ये जो कंपनी है एरॉन इंडस्ट्रीज, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.97%, पब्लिक का होल्डिंग है 25.03%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 74.97% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो की फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी ने आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी इंक्रीज किया है एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपका फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी ने लास्ट एक साल में आपका रिटर्न दिया है 96.05% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक आपका बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और मैक्सिमम इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न दिया है 977.05%। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है एरॉन इंडस्ट्रीज, इस कंपनी का पीटर्स की स्कोर है 7 out of 9, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर है। ओके, और ये जो कंपनी है एरॉन इंडस्ट्रीज, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल के टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। ओके, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे। और मंथली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, आपका 26 जुलाई 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड आज के डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को गैप अप में और एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो की टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और एमएसीडी भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका है जुलाई 2022 का दूसरा वीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर आपका अपट्रेंड में है और अभी जो करंट वीक चल रहा है, इस वीक में यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो की टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपके अबव 60 है और एमएसीडी भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹198, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 3 महीने में इस शेयर आपका ₹240 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।